वाले लोगों को मेरा नमस्कार। मैं नितिन जोड़ेकर महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला हूं। आपको बताने जा रहा हूं एक अच्छा सा उपाय जिससे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम या तो नहीं आएंगे या अगर है तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ये महीने के 22 तारीख को यानी कि 22 नवंबर को कार्तिक स्वामी की पूजा करने का विधान है। दिवाली के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है ये साल में 2018 साल में 22 नवंबर को आ रही है और उस दिन की और एक खासियत होती है, उस दिन कृतिका नक्षत्र होता है यानी कि चंद्र कृतिका नक्षत्र में होता है। तो 22 नवंबर को शाम को 5:50 के बाद में चंद्र कृतिका नक्षत्र में जा रहा है, उस समय कार्तिक स्वामी की पूजा करना का एक विधान है जिससे आर्थिक प्रश्न नहीं होते। आप मुझे पूछेंगे सवाल कि क्या एक बार ये पूजा करने के बाद में हमने कोई नौकरी व्यवसाय नहीं किया तो चलेगा क्या? ऐसी बात नहीं है, नौकरी व्यवसाय तो हमें करते रहना पड़ेगा, लेकिन हर कोई फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं तो उसके पीछे हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो अगर हम सही दिमाग लगाए तो हमारे डिसीजन सही आते हैं, वरना जो भी हम खर्चे के डिसीजन करते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन करते हैं वो गलत हो सकते हैं और गलत डिसीजन करेंगे तो नुकसान होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं। कार्तिक स्वामी को बुद्धि की देवता कहा गया है। बुद्धि के ऊपर और एक बुद्धि का लेवल होता है जिसको प्रज्ञा बोलते हैं। प्रज्ञा यानी कि बिना पढ़े बिना सुने कोई भी ज्ञान आपको होता है, तो कोई भी डिसीजन आपका सही है गलत है उसका जो ज्ञान होता है वो प्रज्ञा के कारण होता है। बिना पढ़े बिना सुने किसी को बिना पूछे अपने आप जो ज्ञान हो जाता है उसको प्रज्ञा बोलते हैं और कार्तिक स्वामी जो है प्रज्ञा की देवता है, तो उनकी अगर हम पूजा करेंगे तो हमको ये ज्ञान होते रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये 22 नवंबर 2018 को 5:50 के बाद में आप कार्तिक स्वामी का पूजन करें। मोर का जो पंख होता है, पिकॉक, मोर का जो पंख होता है उसे उसकी पूजा करनी है। कौन सा मंत्र बोलना है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप पूजा कीजिए और जिससे आपके आने वाले समय में फाइनेंशियल डिसीजन सही हो गए, आपको फाइनेंशियल तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई कर्जा है तो मिटने का रास्ता आपको मिल जाएगा, अगर आपको कर्जा लेना है कर्जा नहीं मिल रहा तो उसका भी हल निकल आएगा, या तो आपके पास ज्यादा पैसे है तो उसके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सही हो गए। इस तरह से फायदे आपको कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक स्वामी का दर्शन करने से मिल सकते हैं। तो आप इसका अनुभव कीजिए और मुझे बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। देवसेनापते स्कंद कार्तिकेय भवोद्भव कुमार गुह गांगेय शक्ति हस्त नमोस्तुते।